कोई नहीं है ना आगे ना पीछे, गुनगुन अकेली है। नहीं, भागते समय तो हर वक्त युगंगल मेरे पीछे ही, ये कैसे है? युग की आत्मा इस घर में है और वो हम सब। गुनगुन, मेरी बात सुनो। उस आत्मा ने तुमसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर आप अपना क्राइम पुलिस के सामने कन्फेस नहीं करोगे तो वो हम सबको मार देंगे। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ गुनगुन, कुछ नहीं होगा, हम सब हैं। किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे ना। गुनगुन सुनो, गुनगुन तुम प्लीज शांत हो जाओ ना। मैं हूं ना गुनगुन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? I promise you, कुछ नहीं उन्हें दूंगा मैं। मुझे जाना होगा। मुझे? आप कहाँ जा रहे हैं? वो करने जो युग चाहता है। चाहता है ना कि मैं पुलिस के सामने अपना क्राइम कन्फेस करूं, तो मैं अपना क्राइम कन्फेस करूंगा राधा। अगर गुनाह मैंने किया ना, तो उसकी सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मुझे आप पागल हो गए हैं क्या? क्या बोले जा रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम आपको कुछ करने देंगे ही नहीं। मोहन भैया, अगर आप कन्फेस कर दोगे तो आपको जेल हो जाएगी। मोहन जी, मोहन जी, हमारी बात ध्यान से सुनिए। आपने कुछ भी नहीं किया, आप किसी से भी कुछ भी नहीं बताएंगे। सुना आपने मोहन जी? आपने कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया, आपने युग का खून नहीं किया। मोहन जी, आप कुछ भी नहीं बताएंगे, आपसे बस गलती से हो गया तो बस वो हाथ था। मोहन जी, गोली आपने नहीं चलाई थी ना? आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे? प्लीज। प्लीज मेरी बात सुनो ना। तुम चाहता है ना कि मैं कन्फेस करूं, तो मुझे करना होगा ना। क्राइम मैंने किया है तो उसका पछतावा भी मुझे ही करना होगा ना राधा, तुम समझ रही हो ना? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर मैंने कन्फेस नहीं किया ना तो वो सबको मार देगा यार। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, पर गुनगुन, मनन, सरगम, उनमें से अगर किसी को कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा ना यार। नहीं मोहन जी, मैं मुझे जाना होगा। नहीं मोहन जी, हम आपको ऐसे कुछ करने नहीं देंगे, हम कुछ भी नहीं करने देंगे आपको। आ, 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 आ,
पुलिस के सामने कन्फेस नहीं करोगे तो कोई और भी तो रास्ता होगा ना? कोई और रास्ता नहीं है ना गुनगुन, तुम समझ रही हो? नहीं है कोई रास्ता। हम कानून के आग में धूल झोंक सकते हैं, पर आत्मा के साथ क्या ही कर लेंगे हम? कुछ नहीं ना। देखो, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे परिवार के साथ कुछ करे। और तुम्हारे साथ, मनन के साथ, शलगम के साथ मैं कुछ होने भी नहीं दूंगा। इसलिए मुझे तो जाना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, मौजी, मौजी, प्लीज ऐसा मत करें मौजी, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। राधा, तुम बात समझो ना। नहीं मुझे, आप नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम समझ रहे हैं। आप नहीं जाएंगे, प्लीज मुझे। राधा, राधा शायद हमारा साथ यही तक का था। ठीक है, इतने सालों तक मैंने अकेले गुनगुन को पाला है और तुमने मनन को, लेकिन अब आगे तुम्हें दोनों बच्चों और पूरे परिवार को संभालना होगा। मैं जानता हूं हमेशा की तरह तुम उनका अच्छे से ख्याल रखोगी। मुझे इंस्पेक्टर विक्रम को फोन करना होगा। खुशी खुशी मुझे यहाँ से ले जाएंगे। मोहन त्रिवेदी जी, लगता है पुराने जन्म में मेरा कोई आपसे नाता तो रहा है। मोहन भैया, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज। भैया प्लीज ऐसा मत करिए, एटलीस्ट हमारे बारे में तो सोचिए मोहन जी, प्लीज। अभी बस मिलने ही आ रहा था कि आपका फोन आ गया। पापा मत जाओ प्लीज, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, प्लीज पापा मत जाओ। लेकिन अब बात फोन पर तो नहीं होगी, आमने सामने होगी, वो भी प्रूफ के साथ। मुझे प्लीज, प्लीज।
अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे पापा, प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। ये बाहर से आवाज किस चीज की आ रही है? ये तो एसपी विक्रम की चीख है।